नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक के तीन प्रमुख एजेंडे कौन कौन से होंगे, इंडिया न्यूज राजस्थान के पास एजेंडे की एक्सक्लूसिव कॉपी है। प्रशासन, गाँव और शहरों के संग अभियान पर भी चर्चा होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होनी है, 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी और इसके साथ ही कई एजेंडे इस पे रखे जाएंगे जिनको लेकर के चर्चा की जानी है। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक है, अहम बैठक है और कौन कौन से एजेंडे आज शामिल होंगे इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की आज ये बैठक होनी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी आज के दिन। तो वहीं प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान पर चर्चा होनी है आज और इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि मुद्दों पर मंथन होगा। चारागाह भूमि पर बसी आबादी को लेकर के चर्चा होगी। वहीं इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर के चर्चा होगी और इसके साथ ही प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान को लेकर के भी चर्चा की जानी है। गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से एजेंडे होने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन पर चर्चा की जानी है, इसकी सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें वो तीन एजेंडे हैं जिनको लेकर के आज बातचीत की जानी है। पहला है सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर के बातचीत होगी, प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान पर चर्चा होगी। तो वहीं गहलोत कैबिनेट की इस बैठक में कई और मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, आज उस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि जो तीन अहम मुद्दे हैं उसको लेकर के आज विचार विमर्श किया जाना है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए, गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम को 4 बजे और 4:30 बजे सीएम गहलोत की अध्यक्षता में होंगी जिसमें कई एजेंडे रखे गए। मंत्रिपरिषद की बैठक के तीन प्रमुख एजेंडे सामने आए हैं कि 2 अक्टूबर से प्रशासन, गाँवों के संग और शहरों के संग अभियान शुरू होना है, तो उस अभियान को किस तरह युद्ध स्तर पर चलाया जाए और किस तरह आमजन को फायदा मिले इसको लेकर आज मंत्रिपरिषद में चर्चा होगी। साथ ही जो चारागाह भूमि पर बसी आबादी है उनके नियमन को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर भी कानून बनाने या क्या कोई रास्ता निकालने या किस तरह राहत दी जाए या कड़ाई से कानून का पालन की जाए इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो भर्तियों में दिक्कत आ रही है, चाहे वो कोर्ट में मामले पेंडिंग हो या समय पर विज्ञप्ति नहीं निकलती हो, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या नहीं हो, ये मसला दिक्कत पैदा नहीं करे इसको लेकर खुद ये मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा यूडीएच और अन्य महकमों से जुड़े एजेंडों पर भी चर्चा होगी। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए आज के दिन कौन कौन से और बड़े चेहरे होंगे जो इस बैठक में नजर आ सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया इसके अलावा कैबिनेट में कई एजेंडो, ये मंत्रिपरिषद की बैठक का एजेंडा है, उससे पहले कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक होती है आधे घंटे चलती है, उसमें भी कई एजेंडे हैं। वो एजेंडे की लिखित कॉपी तो सामने नहीं है लेकिन उसके तहत उसमें पेंशन के प्रकरण और अन्य जो सरकारी नियमों से उलझे मसले हैं उन पर विचार किया जाएगा और फिर 4:30 जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसमें इन तीन एजेंडों पर चर्चा होगी। तो लंबे समय बाद लगभग सभी मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद होंगे, एक दो मंत्री हालांकि वीसी से जुड़ सकते हैं ऐसी संभावना है और काफी अहम ये बैठक होगी। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन, शहरों, गाँव के संग जो अभियान है उसका जो शुभारंभ है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है और इसको इसके साथ ही उस पूरे अभियान में क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर के क्या जानकारी सामने आई है? दिनेश ने हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, अहम बैठक है, 4:30 बजे का समय रखा गया, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कई एजेंडे होंगे इस पर जिसपे चर्चा की जाएगी और मुख्य जो तीन एजेंडे हैं वो आपको बता देते हैं। पहला है प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान, इसको लेकर के इसमें चर्चा की जानी है। दूसरा है सरकारी नौकरियों में जो अनियमितताएं आ रही हैं और इसके साथ ही जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको देखते हुए इस पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही चारगाहों पर भी चर्चा की जाएगी, जो भूमि है चारगाहों की उसको लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नियम लगाए जा सकते हैं इस पर बातचीत की जाएगी।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर सीएम गहलोत का अहम फैसला सामने आया है। अब सरकार फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स बांटने जा रही है। दरअसल उड़ान योजना के तहत ये सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे। अगले महीने से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजेस में भी सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी इनका वितरण होगा। तो सीएम अशोक गहलोत का यह अहम फैसला सामने आया है, जहां पर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। सरकार फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स बांटने जा रही है और उड़ान योजना के तहत इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जहां पर स्कूल कॉलेजेस में सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे और अगले महीने से इस योजना की शुरुआत होनी है। सीएम अशोक गहलोत का अहम फैसला सामने आया है और इसमें क्या कुछ खास है वो आपको बता रहे हैं। उड़ान योजना के तहत अब सरकार फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स बांटने जा रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। स्कूल कॉलेजेस को इसमें शामिल किया जा रहा है, जहां पर फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे। तो वहीं भाजपा ने आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में स्थित एक रिजॉर्ट में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू किया है। शिविर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा के 40 से अधिक नेता इसमें शामिल हुए। तो वहीं शिविर में आगामी चुनाव की चुनौतियों और पार्टी को और अधिक मजबूती के लिए विचार मंथन किया जाएगा। संगठन का विस्तार और राज्य के नेताओं में एकजुटता मजबूती के साथ हो, जिससे कि आगामी चुनाव में राजस्थान में भाजपा का परचम लहरा सके। तो वहीं शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नहीं पहुंचे। मिशन 2023 पर बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है और बीजेपी का ये मंथन शुरू हो गया है। इसके साथ ही 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे। बिरला पर्युषण पर्व और क्षमावणी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम तलवंडी स्थित जैन मंदिर में हुआ। वहीं बिरला ने जैन संत संबुद्ध सागर जी और सक्षम सागर जी के दर्शन किए। इसके साथ ही मंदिर में जैन समाज के लोगों को स्पीकर बिरला ने संबोधित किया और कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। भगवान महावीर ने प्राचीन काल में जो शिक्षाएं दी हैं वो आज अधिक प्रासंगिक हैं। विश्व को विकास की ओर ले जाना है तो अहिंसा और शांति जरूरी है। भगवान महावीर के अनुयायी कल्याण और सेवा के दृष्टिकोण से काम करते हैं। कोटा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिरला ने लोगों को संबोधित किया और इसके साथ ही जैन धर्म से जुड़ी कुछ अहम बातों को भी लोगों के सामने रखा। कोटा दौरे पर हैं ओम बिरला और इन दिनों क्या कुछ खास हुआ है, कौन कौन से कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्षमावाणी कार्यक्रम थी का आयोजन किया गया था, जिसमें बिरला ने लोगों को संबोधित किया और जैन धर्म से जुड़ी तमाम बातों को लोगों के सामने रखा। कोटा दौरे पर है इन दिनों ओम बिरला और वहां